नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका की शानदार जीत के बाद बदल गया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका की टीम को पॉइंट्स टेबल में हुआ काफी बड़ा फायदा। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का 23वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम के बीच खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत तो थोड़ी खराब रही, लेकिन फिर उसके बाद क्विंटन डीकॉक और मार्करम और क्लासन की पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर में 382 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना डाले और साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज्यादा 174 रन बनाए और उसके अलावा मार्करम ने 60 और वहीं क्लासन ने 90 रनों की पारी खेली। और वहीं बांग्लादेश की टीम की तरफ से हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 2 विकेट चटकाए और जवाब में 383 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। केवल 58 रन के स्कोर पर ही बांग्लादेश की टीम के 5 विकेट गिर गए और बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में काफी बड़े अंतर से हार गई। तो चलिए नजर डालते हैं साउथ अफ्रीका की जीत के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। वहीं दोस्तों, नंबर 1 पर भारतीय टीम है, जो 5 मुकाबले खेली और 5 मुकाबलों में जीती है और पॉइंट्स टेबल में 10 अंक हैं। और उसके बाद नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका की टीम आ गई, जो 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती और 1 मुकाबला हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। वहीं नंबर 3 पर न्यूजीलैंड की टीम चली गई, जो 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीती और 1 मुकाबला हारी है और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। उसके बाद नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती और 2 मुकाबले हारी है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। उसके बाद नंबर 5 पर पाकिस्तान की टीम है, जो 5 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती और 3 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। वहीं नंबर 6 पर अफगानिस्तान की टीम है, जो 5 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती और 3 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। उसके बाद नंबर 7 पर नीदरलैंड की टीम आ गई, जो 4 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती और 3 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। और उसके बाद नंबर 8 पर श्रीलंका की टीम है, जो 4 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती और 3 मुकाबले हारी और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। वहीं नंबर 9 पर इंग्लैंड की टीम आ गई, जो 4 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती और 3 मुकाबले हार चुकी और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। वहीं नंबर 10 पर आज की हार के बाद बांग्लादेश की टीम आ गई, जो 5 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती और 4 मुकाबले हार चुकी और पॉइंट्स टेबल में केवल 2 अंक है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट और वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।